नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये खूबसूरत सा लेडीज शू लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये शू 6 से 7 नंबर पैर में आसानी से हो जाएगा। देखिए इसे बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। यदि आपको मेरा ये शू डिजाइन और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जूती बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने वर्धमान का सोफिया वुल लिया है, 10 नंबर की सिलाई ली है और 90 फंदे डाले हैं। 90 फंदे डाले हैं और मैंने 15 लाइन उल्टा उल्टा बुना है, यानी सामने से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा, दोनों साइड से मैंने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुना है, जिससे सामने की तरफ 8 फंदों की धारियां आ गई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बैक साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बैक साइड में 7 और सामने की तरफ 8 धारियां, उल्टे फंदों की 8 धारियां आ गई हैं, यानी टोटल लाइन हो गए 15। तो अब हम 16वीं लाइन पे हैं और रॉन्ग साइड में, ये हमारा 16वां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसे हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो 16वें लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये हमारा 17वां लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे। एक फंदे को हमें उल्टा बुनना है और अगले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है। ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और अगले फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो एक फंदे को उल्टा बुनते हुए और अगले फंदे को स्लिप करते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर दी। लास्ट फंदा बचेगा तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए नेक्स्ट फंदा वो फंदा है जिसे हमने स्लिप किया था, तो स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, देखिए इस फंदे को हमने सामने की तरफ से उल्टा बुना था, तो इसे रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, अब देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था, देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, ये धागा ऊपर की तरफ से गया है, तो इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, देखिए ये फंदा हमने सामने की तरफ से उल्टा बुना था, तो हम रॉन्ग साइड से इसे उल्टा ही बुनेंगे। उन दूसरी ओर देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था, तो रॉन्ग साइड से इसे सीधा बुनेंगे। बुने हुए फंदे को हमें रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनना है और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे हमें सीधा बुनना है। हमने सीधा बुन लिया। ऊन अपनी ओर, देखिए अगला फंदा ये उल्टा बुना गया फंदा है, तो इसे रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा ही बुन लेंगे।
तो बुने हुए फंदे को उल्टा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने एक फंदा उल्टा और अगला फंदा सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया। ये हमारे जूती का 18वां लाइन था और डिज़ाइन का 30रा लाइन। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। ये जूती का 19वां लाइन है और डिज़ाइन का 4था लाइन। तो हम इस लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यदि आपको छोटे नंबर का बनाना हो या बड़े नंबर का बनाना हो तो आप चार चार फंदे घटाए और बढ़ा के किसी भी नंबर का बना सकते हैं। तो हमने 19वां लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब हम इस धागे को काट दे रहे हैं क्योंकि हमें अब काफ़ी ऊपर जाके इसे लगाना होगा। तो इसे काट के और हम गांठ लगा दे रहे हैं। अब तीसरे कलर के वूल से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और इन धागों को ऐसे लपेटते जाएंगे। तो दूसरे कलर के उल से हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं। तो पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है। ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। हमने उल्टा बुन लिया यानी अगला फंदा हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जब दूसरा कलर लगाया था तो इसी फंदे को उल्टा बुनाया था, तो हमें इसी फंदे को उल्टा बुनना है। ये फंदा देखिए हमने स्लिप किया था तो फिर इसी फंदे को हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट फंदा देखिए ये इसे हमने उल्टा बुना है तो हमें इसे उल्टा ही बुनना है। अब अगला फंदा देखिए ये हमने स्लिप किया था तो इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करना है, अगला फंदा उल्टा बुनना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। अब ये हमारा लास्ट फंदा है तो उन दूसरी ओर करेंगे, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और ये हमारा तीसरे कलर के उनसे ये 30रा लाइन है। तो इस लाइन में हम पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए इस फंदे को हमने उल्टा बुना था, देखिए इस फंदे को उल्टा बुना था तो हम रॉन्ग साइड से भी इसे उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। इस फंदे को देखिए हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर। ये फंदा देखिए उल्टा बुना गया है तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर। ये फंदा देखिए स्लिप किया हुआ है फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। एक फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, सीधा, उल्टा सीधा।
तो उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये इस डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। डिज़ाइन का चौथा लाइन और जूती का 23वां लाइन। 23वें लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया और जूती में 1, 2, 3, 4, 5 डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इन डिज़ाइन के लिए मैंने दो कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके लिए 5 कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8 लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और 12 लाइन कंप्लीट करना है, यानी डिज़ाइन 20 लाइन का ये कंप्लीट हुआ है। तो 20 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, 20 लाइन का हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए, 4-4 लाइन का ये डिज़ाइन है तो, और हमने 5 डिज़ाइन बनाया है, यानी 20 लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अपने प्राइमरी कलर को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस धागे को हम काट देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना प्राइमरी कलर अटैच कर दिया। अब प्राइमरी कलर के उल से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और इस थ्रेड को हम ऐसे लपेटते जाएंगे ताकि सफाई आए। फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब हम इन 90 फंदों को 3 भागों में बांटेंगे। तो हमने दोनों साइड में 23-23 फंदे रखे हैं और बीच में 44 फंदे, 44 स्टिचेस। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं और इन 23 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, यानी ये मार्कर तक हमारे 23 फंदे हैं, इन 23 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 23 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब इस मार्कर को हम दाहिने सिलाई पे ले लेंगे और इसको ऐसे पीछे की तरफ कर लेंगे ताकि बुनने में हमें कोई कठिनाई ना हो। अब बीच के 44 फंदों को हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट हम दो फंदों को लेंगे और एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो इस तरह दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए हम डिवाइडर तक के सभी फंदों को बुन लेंगे। तो हमने दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए डिवाइडर तक के सभी फंदों को बुन लिया। अब हम इस मार्कर को दूसरी सिलाई पे ले लेंगे और इसे ऐसे पीछे की तरफ कर लेंगे। अब शेष बचे हुए 23 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए तो मार्कर तक के सभी फंदे, यानी इन 23 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 23 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब मार्कर को हम दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे ताकि बुनने में कठिनाई ना हो। अब बीच के जो 22 फंदे बचे हुए हैं तो इनको हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। हाथ हम ढीला रखेंगे वरना सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। 22 फंदों को हम दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए
उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। तो अब ये 22 से 11 फंदे हो गए। अब मार्कर को हम दूसरी सिलाई में ले लेंगे और शेष बचे हुए 23 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें न किसी फंदे को घटाना है न बढ़ाना है, बस सभी फंदों को हमें उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ आ जाते हैं, मार्कर तक के 23 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। हाथ हम ढीला ही रखेंगे वरना इसकी सारी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी और पहनने में भी हमें बड़ी परेशानी होगी, ये हमें फिट नहीं आएगा। तो हमने मार्कर तक के सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम इस मार्कर को हटा देते हैं और अब 11 फंदे हैं तो 10 फंदों को हम 2-2 को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे। हाथ हम ढीला ही रखेंगे। अब देखिए लास्ट में एक फंदा बचा है तो मार्कर के दूसरी साइड वाला एक फंदा हम ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो बीच में ये 6 फंदे हमारे 2 का 1 करके बुने हुए हो गए, 3 और 3 6 फंदे। अब साइड में सिर्फ 22 फंदे ही बचे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आ जाते हैं और इस लाइन में हम सभी फंदों को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम एक फंदे को उल्टा बुना, फिर नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुना और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। हाथ हम ढीला रखेंगे वरना इसे पहनने में हमें परेशानी होगी और जूती की सारी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। अगर हमारा हाथ टाइट चलता हो तो हम दाहिने साइड वाला जो हमारी सिलाई है उसे 1 नंबर ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि 9 नंबर की सिलाई से हम फंदे उतारेंगे। एक एक फंदे को उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। उल्टा बुना, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। तो देखिए हमारे फंदे क्लोज होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदों को क्लोज कर लिया। अब हम धागे को थोड़ा सा बड़ा काटेंगे, लूप को बड़ा करेंगे और इसमें से धागे को ऐसे निकाल लेंगे, इसे टाइट करेंगे और इसे सुई में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो ऐसे सामने की तरफ से इसको ऐसे फुल कर लेंगे। देखिए ये इस तरह बन के तैयार होगा। अब इसे सामने की तरफ से ऐसे फुल कर लेंगे और यहाँ पे 1-2 बार करके इसे पक्का कर लेंगे। अब देखिए ये उल्टे फंदे की धारी आई है, इसमें हम ऐसे सिलाई सुई डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। और अब देखिए दूसरी तरफ भी ये उल्टे फंदों की धारी आई है तो इसमें से भी ऐसे हम सुई डालेंगे और निकालेंगे। फिर अब ये दूसरी लाइन में इसमें हम ऐसे डालेंगे निकालेंगे। और देखिए इस साइड भी जो दूसरी लाइन गई है इसमें हम ऐसे
उल्टे फंदे की जो धारी गई है इसमें ऐसे सुई डालेंगे और एक पूरे फंदे को लेंगे और ऐसे निकालेंगे। इस तरह सिलने से सिलाई का पता ही नहीं लगेगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये अब हम यहाँ आ गए तो ऐसे हम सुई डालेंगे और एक देखिए जो सीधा फंदा है इसमें ऐसे पूरे फंदे को ऐसे उठा लेंगे और फिर इस साइड भी हम आएंगे और एक पूरे फंदे को ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे जो उल्टे फंदे की धारी गई है देखिए इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे ऐसे सुई डालेंगे और इसको ऐसे हम निकालेंगे इस साइड भी। इस तरह ये लाइन एक दूसरे से मिलता चला जाएगा और हमें सिलाई का पता ही नहीं चलेगा। और फिर हमारे ये देखिए उल्टे फंदों की धारी आ गई तो ऐसे प्रत्येक धारी में हम ऐसे सुई डालेंगे एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में और ऐसे हम निकालते जाएंगे तो धारी से धारी मिलता जाएगा सिलाई का पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए फ्रेंड हमने एड़ी की तरफ सिलाई कर ली है। अब हमें नीचे की तरफ तली की तरफ सिलाई करना है तो अब हम या तो सीधी तरफ से या तो उल्टी तरफ से इसकी सिलाई करेंगे और यहाँ 1 सेंटीमीटर तक छोड़ देंगे। तो आप सिलिए मैं भी सिल के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब सिर्फ 1 सेंटीमीटर रह गया है तो अब इसे हम राउंड मेथड से सिलेंगे यानी ऐसे देखिए एक ही तरफ से सिलते हुए हम दूसरी तरफ आएंगे। और इसके बाद इसको ऐसे हम जोर से खींचेंगे तो देखिए ये ऐसे बंध जाएगा। अब इस छेद को हम सिलते हुए बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे नोक की तरह नहीं बनेगा और इस सुई को ऐसे अंदर की तरफ निकालेंगे ये हमारा जूती बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको पहनाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जूती बनके तैयार है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है कितना सुंदर लग रहा है। दोनों पैरों में ये एक ही जैसा बनता है ये किसी भी पैर में हम इसे पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिजाइन जूती आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये जूती डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।